जस्ट रेडी हुए एंड वृंदावन के लिए मैं रेडी हूँ और अभी हम यहाँ से बस निकलने वाले हैं। सो अभी का टाइम हो रहा है गाइस अभी 6 बज रहे हैं, तो हमें थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा ताकि टाइम से हम लोग घूम पाए। तो सो मैं कैसे लगी हूँ कमेंट में बता देना। एंड अभी मैं निकलने वाली हूँ क्योंकि मेट्रो लेने बहुत लेट हो जाएगा। सो आप इस ब्लॉग को इंजॉय कीजिए, दर्शन कीजिए और जन्माष्टमी भी जस्ट आ ही रही है। जन्माष्टमी के लिए हम लोग घूमने जा रहे हैं मथुरा। सो आप लोग भी मत साथ घूमने चलिए मथुरा एंड कंटिन्यू करते हैं अपना ब्लॉग अभी यहाँ से निकलने के बाद। सो बने रहिए इस चैनल पे और लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए। गाइज अभी आप देख सकते हैं दूर से खुशहाल आ रहे हैं। सो अभी कोई तो मुझे मिला। सो गाइज फाइनली टीम से कोई तो मिला। सो ये है खुशहाल। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग गाइज। सो वहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट मिल गया। सो जैसा कि मैं बोल रही थी कि अरे यार उसकी लाइट कैसे हो गई। हाँ, सो जैसे कि मैं बोल रही थी कि हम लोग कुछ खा के नहीं आए और भूख लग रही है। सो हमारा पोहा रेडी है और हम अभी पोहा खा के उसके बाद मेट्रो में एंटर करने वाले हैं। सो आपको मिलते हैं खाने के बाद। सो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं एम्स के मेट्रो स्टेशन पे और बाकी लोग जो हमारे साथ जा रहे हैं वो सब हमें इसी पिकअप पॉइंट पे मिलने वाले हैं। सो चलिए आप मिलवाते हैं उनसे। सो गाइज बाकी सारे लोग हमें मिल चुके हैं और हमारी गाड़ी भी आ चुकी है। मैडम मिलने वाली थी तो हम अंदर जाके आपको मिलाते हैं उन लोगों से। कुछ आपको नोटिस आपने किया होगा फिर से कुछ चेंजेस हैं तो कैपेसिटी लगा के नहीं आएगी तो अभी फाइनली वो कम्प्लीट हो गई है। सो हम लोग अभी निकल चुके हैं यहाँ से और यहाँ पर स्टार्ट हो गए। सो मैं आपको मिला रही हूँ टीम मेंबर से, वह है पदम एंड शाह से ऑलरेडी आप मिल चुके हो एंड थर्ड है शिखा। सो आई थिंक मैं से तो आप मिलते रहते हैं। ये जो आप देख रहे हो हालत, सो ये जो हालत देख रहे हो
ब्रेकफास्ट के लिए। एंड अभी हम कहाँ पहुँचे सब कुछ पता है? लोकेशन का हमें आइडिया नहीं है, लोकेशन पता नहीं कौन सी गाइड, बट कहीं बीच में ही रुके हैं हम लोग। सो अभी ब्रेकफास्ट आपको बताते हैं यहाँ पे क्या है, कैसा है, अच्छा है या बुरा है। सो सारे रिव्यू आपके साथ शेयर करते रहेंगे। सो गाइस अभी हम सोच रहे हैं कि क्या कुछ लिया जाए नाश्ते के लिए। सो गाइज अभी हम रास्ते में ही हैं और आई थिंक सो कुछ ही टाइम में वृंदावन पहुंच जाएंगे और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वहाँ जाने के लिए, मुझसे वेट भी नहीं हो रहा है अभी। सो अभी हम पहुंच चुके हैं गाइज वृंदावन में और आप देख सकते होंगे कि ये वृंदावन का मेन गेट है जिसमें एंटर हम लोग कर चुके हैं और यहाँ पे एंटर होने के बाद एक अलग ही माहौल है। सो गाइस आप देख सकते हैं कि सामने माँ वैष्णो देवी का मंदिर है जो बिल्कुल हमें पिंडी दर्शन की याद दिलाता है लास्ट टाइम जब हम वहाँ गए थे। तो ये सेम टू सेम वैसा ही बना हुआ है और अभी हम यहाँ नहीं जा पाएंगे क्योंकि हम जा रहे हैं अभी बांके बिहारी के दर्शन करने। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी गाड़ी को पार्क करने पार्किंग एरिया में और ऑलमोस्ट हमारा एक साइड का सफ़र कंप्लीट हो गया है। फाइनली अब हम जाने वाले हैं बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए। सो बिल्कुल भी लेट नहीं करना है गाइज, बने रहिए इस चैनल पे, देखते रहिए हमें। सो फाइनली गाइज हम पहुंच चुके हैं मथुरा एंड अभी हम जा रहे हैं बांके बिहारी मंदिर में बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए और अभी हम हैं पार्किंग एरिया में। सो गाड़ी हम लोगों ने पार्क कर दी है और धूप बहुत ज़्यादा हो रही है गाइस। अभी हम चलते हैं बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने के लिए और आपको कराते हैं दर्शन वहाँ के। सो आपको मिलते हैं वहाँ पहुँचने के बाद। गाइस अभी हम जा रहे हैं नीचे पार्किंग के बाद और देखते हैं बांके बिहारी मंदिर में कितनी भीड़ होती है क्योंकि आज संडे है, सो बहुत भीड़ होगी और जन्माष्टमी कमिंग नेक्स्ट वीक है। सो लगता है कि भीड़ बहुत ज़्यादा होने वाली है और देखते हैं भीड़ के साथ हमारा शूट कैसा रहेगा। सो गाइस अभी हम लोग स्लीपर अपनी गाड़ी में ही छोड़कर आए हैं और हम लोग के पैर चल रहे हैं बहुत ज़्यादा क्योंकि धूप हो रही है। तो हम फटाफट से अभी जा रहे हैं मंदिर। सो गाइस कंटिन्यूस ब्लॉगिंग चालू हो बैक साइड में भी और यहाँ फ्रंट साइड में भी। सो गाइस अभी हमें यहाँ से एक ऑटो करना पड़ेगा बांके बिहारी मंदिर जाने के लिए और प्रेम मंदिर बांके बिहारी। सो गाइस बहुत ज़्यादा पैर चल रहे हैं और ऑटो हमें कोई मिल नहीं रहा है जाने के लिए। बहुत कैसे जाना पड़ रहा है, हमें कहाँ था।
कार एक्चुअली हमें पार्क करके आना पड़ा क्योंकि यहाँ पे पार्किंग है नहीं और ऑटो का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है चलान वगैरह का, तो इसकी वजह से हमें घूम घूम के आना पड़ रहा है उल्टा उल्टा। गाइस दो ऑटो कर लिए हैं अभी, तो सच में दिमाग खराब हो रहा है, अभी तक हम मंदिर ही नहीं पहुंच रहे हैं और हमें अभी भी वॉक करते हुए जाना पड़ रहा है, वो भी सभी को नंगे पैर पैर जलाते हुए अपने अपने, तो कोई नहीं भगवान के दर्शन करने हैं तो इतना तो सहना ही पड़ेगा। मैंने जितना भी देखा भगवान की जगह पर इजिली पहुँचा नहीं जाता है, कठिन रास्ते को पार करके ही दर्शन मिलते हैं। एक बार यहाँ मथुरा के वृंदावन की गैया को देख लीजिए, ये है गई गौ माता जी। सो आज आप भी हमारे साथ घूमिए या मथुरा की इन गलियों में और इंजॉय करते हैं आज ये माहौल। मैं सारी इतनी गर्मी हो रही है, सो फाइनली ऑटो हमने कर लिया है और अभी भी हम बाकी बिहारी में भी पहुँचे हैं, तो खुश आया कि हमारा लास्ट ऑटो है गाइस। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वैसे नॉर्मल डेज में आएंगे तो एक ही ऑटो करना पड़ेगा, बट आज यहाँ पे कुछ भीड़ ज़्यादा है अगर मास्क की वजह से, तो रास्ते ब्लॉक हुए हैं जिसकी वजह से हमें ये मल्टीपल ऑटो करने पड़े। हाँ फ्रूटी लेके ना भाई, यहाँ की मंकी से बच के रहना पड़ेगा, अगर उसने ले लिया ना फोन या अपना हमारा चश्मा तो पहले उनको रिश्वत देनी पड़ेगी वापस लेने के लिए अपना सामान को। क्या कह रहे हो, अरे क्या कह रहे हो, पदम सब्जी खरीद रहे हो, आलू कैसे दिए? वृंदावन में आलू का भाव पूछा जा रहा है भाई, सब्जी मुझे ऐसे खरीद के ले जानी है क्या? हम लोग अब बाकी बिहारी मंदिर के थोड़ा सा पास पहुंच गए और उसके लिए हमें थोड़ा सा और अभी चलना पड़ेगा। क्या बंदर ले जाओ तो गाइस चश्मा फाइनली उतारना पड़ा है, कई लोगों ने टोक दिया है कि बंदर ले जाएंगे, तो हम दोनों ने ही अपने अपने चश्मे उतार के भी रख लिए हैं, बाद में खुशहाल तो उतार नहीं सकते उनका क्योंकि परमानेंट चश्मा है, उनका ले गया तो उनको भारी पड़ जाएगा, हमारा तो फिर भी चलेगा। तो यहाँ से स्टार्ट हो गए मशहूर पेड़े और यहाँ से यहाँ के पेड़ तो ले जाने बनते ही बनते हैं गाइस, तो हाँ पेड़े टेस्ट बढ़िया होते हैं यहाँ के। लास्ट टाइम आया था 12 या 13 के टाइम पे मैं आया था फैमिली के साथ, तो ये वही अभी याद ताज़ा हो गई है, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, सारी फ्लैश मेमोरी बैक आ गई माइंड में। उस टाइम हम रात हो रही थी, कल रात में आए थे बाकी बिहारी क्योंकि एक टाइमिंग होती है बाकी बिहारी के दर्शन करने की। हाँ गाइस तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे सिर्फ दो टाइम ही दर्शन होते हैं, मॉर्निंग में 12 बजे तक 10 से एंड इवनिंग में शायद 6 बजे तक होते हैं, सो आप अगर कभी आएंगे तो उसी के अकॉर्डिंग दर्शन के लिए आएं, बाकी हम आपको यहाँ का व्यू दिखाते हैं बैक करके। गाइस ये मंदिर जाते टाइम बिल्कुल मंदिर के बाहर का एरिया है और यहाँ पे हर साइड प्रसाद और कपड़ों की मतलब कान्हा जी के जितने भी सामान होते हैं उनकी शॉप्स हैं, तो हम आके शॉपिंग करेंगे। गाइस देख रहे होंगे आप कितनी ज़्यादा भीड़ है और हम लगे हैं मंदिर में दर्शन की लाइन में, बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी गाइस यहाँ तक पहुँचने में और लग रहा था दर्शन कैसे हो पाए। So guys, अभी कान्हा जी के दर्शन है, खतरनाक भीड़ लगी है तो जिसमें हम भी खड़े हैं। आप तो थोड़े पैसा नहीं, हम तो बहुत हो गए, आप तो दो मिनट पैसा हो गए एंट्रेंस के लिए प्रसाद हाथों में लेके आ रहे हैं।
हम यही सजेस्ट करेंगे कि सैटरडे संडे को अपना प्लान ना करें और जन्माष्टमी के लिए यहाँ गेट बंद करना चाहिए। सुबह जितनी भीड़ लगने के बाद यहाँ पे फाइनली गेट नंबर 2 ओपन हो चुका था और ओपन होने के बाद की हालत आप देख सकते हो कि कैसे सब लोग भाग भाग के बिल्कुल दर्शन किए और हम भी बिल्कुल भागने में टपट के सबके दर्शन हो गए जगह और अभी हम बिल्कुल अंदर बांके बिहारी मंदिर के अंदर बिल्कुल एंटर हो चुके हैं और यहाँ पे देखे गए बिल्कुल भी ठीक से शूट नहीं कर पा रहे हैं और दर्शन भी ठीक से पता नहीं कैसे होंगे। बहुत ही भीड़ है, बहुत बुरा हाल है। कभी भी मत आइएगा गाइज, आज के दिन मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगी आपको आना, बस बांके बिहारी जी अपने दर्शन दे दीजिए। सो गाइस अभी हम दर्शन करके आ चुके हैं अंदर से और बहुत गंदी हालत हो रही है, बहुत देर से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है और हमारी हालत जो है क्या हो गई है। सो गाइस दर्शन करके आ चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा गंदी हालत हो रही है और हमारी शक्लें ऐसी हो गई दर्शन करने के बाद। गाइस बहुत भीड़ है आज के टाइम में, कभी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप लोग आओ, दर्शन होना मुश्किल हो रहा है बहुत ज़्यादा। हमारी शक्लें मुरझा आ चुकी है जो हम इस टाइम में आए थे। अंदर जाने के बाद बाहर आना मुश्किल हो रहा था और बाहर वालों को अंदर जाना मुश्किल हो रहा था। गाइस अभी हम चलते हैं कान्हा जी के लिए शॉपिंग करने और यहाँ एक तो शॉपिंग करना तो बनता ही है। मैं भी लाइन में खड़ा करेंगे, हम लाइन में मोर वाले हैं। पता है मेरे बाल ना आज खिंच चुका है, वो मेरे पैरों में फूल लग गई बहुत सारी जगह और पता है मैं सीढ़ियों पर से गिर गई। रो रही मैं, रो तुम्हारा कुछ। सो गाइस अभी हम कर रहे हैं कान्हा जी के शॉपिंग और हमें कुछ ये कपड़े पसंद आए हैं सो पर हम आपको दिखा रहे हैं लाइव। हमने अभी दो वाले खाने हैं, बड़ा है ना, छोटा ही रहना, वही तो है वो, बड़े में थोड़ा है ना, सही नहीं है बोला ये भी ठीक है लेकर वही देखो ग्रीन है ले रहा देख लो और ये शॉपिंग करते हुए कुशाल और पदम ये खरीद रहे हैं अपनी अपनी वाइफ के लिए मालाएं। सो बहुत सारी शॉपिंग कर ली इन्होंने मालाओं की और इधर ये शिखा मैडम ये खरीद रही है कान्हा जी के कपड़े, इनके हाथ में भी बहुत सारी बकेट हो गई है और इधर मैंने भी कान्हा जी के कपड़े खरीद लिए हैं और अभी मैं बाकी और चीज़ें भी देख रही हूँ।
सो ये पसंद आया आई थी। सो गाइज हम शॉपिंग करके आ गए और हम लोगों ने हाथ के लिए बैंड सेम सेम खरीदे हैं। सो कैसे लग रहे हैं आप लोग बताइए। सो गाइज यहाँ पे ये चूड़ियाँ हैं 20 रुपीस पर, ये 20 रुपीस का पीस है तो काफ़ी अच्छी है। देखते हैं हम लोग ले रहे हैं ये ज्ञान गुजरी रोड। लोगों ने हमारे ऊपर ऐसे नजर लगाई कि चश्मा भी टूट गया और लेने वाला फेंक दिया। नहीं लेने वाले हम भी हैं भाई, 400 वाला है। जो भी खाएगा तो वाला अभी 400 रुपए का है। ये तो उसका एक पेड़ा तो मिला 300 रुपए का, तो सही लगा ये वाला। पेड़े हमने ले लिए हैं और अभी हम जा रहे हैं आगे। सो देखते हैं कि हम कहाँ जाने वाले हैं। सो गाइस अभी मंदिर में जाने से पहले लग रही है थोड़ी भूख क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया है, नाश्ता किया था चाय वाय और यहाँ थोड़ा सा साइड एरिया यहाँ हमने ड्राइवर को ट्राई कर दिया था और ये हम खा रहे हैं गोलगप्पे। सब लोग गोलगप्पे खाते हैं और मिलते हैं आपसे बात करते हैं। खाओ भाई खाओ ये नीचे मुकर के क्यों खा रहे हो भाई, बोरा मेरा बोरा और ये ना मेरा वाला। सो वापस में आ गए हम अपने लस्सी पीने क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। गाइस हम जा रहे थे लस्सी पीने तभी हम देखते हैं बाहर आंटी जी कुछ लड़ाई हो रही है बाहर शॉप वालों से। तो क्या अच्छा। सो गाइस अभी हम वेट कर रहे हैं लस्सी का, गर्मी बहुत है तो लस्सी पी के थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। सो ये हो रही है लस्सी सर सबको पकड़िए पकड़िए भाई चम्मच है चम्मच है दे रहा हूँ लो अरे वाले पकड़ो जल्दी पकड़ो पकड़ नहीं रही है लस्सी लो ना पकड़ो पहले बिल्कुल नहीं होगा। सो फाइनली ये मेरी लस्सी भी आ गई। सो गाइस अभी हम आए लस्सी पी के और थोड़ा रिलीफ मिल गया है। और जैसे ही हमारा कैमरा स्टार्ट हो रहा है भैया मतलब उनको हंसी आ रही है कि हम हर जगह स्टार्ट हो जा रहे हैं। सो अभी गाइस हम लोग लस्सी पी के बाहर आ गए हैं और अब हम जाने वाले हैं सामने ही मंदिर हैं दो इस्कॉन टेम्पल। सो मे भी वहाँ पर जाएंगे सो वहाँ चल के आपके साथ कंटिन्यू कर। गाइज अभी हम एंटर हो चुके हैं इस्कॉन टेम्पल के और अभी हम जा रहे हैं उसके अंदर तो आपको दिखाते हैं। सो गाइज अभी हम एंटर हो चुके हैं इस्कॉन टेम्पल के और अभी हम जा रहे हैं उसके अंदर तो आपको दिखाते हैं। चलो सो गाइज अभी हम गए थे इस्कॉन टेम्पल और
वो अभी बंद है क्योंकि उसकी टाइमिंग अभी क्लोज हो चुकी है, सो 4:30 बजे ही ओपन होगा। सो आप लोग कभी भी आओ तो टाइमिंग के अकॉर्डिंग आना, 4:30 बजे ही मंदिर ओपन होता है और 12 बजे तक बंद हो जाता है। सो हम तो दर्शन अभी नहीं कर पाए हैं, तो अभी हम जा रहे हैं नंदगांव और मथुरा की साइड में। सो इवनिंग में अगर हमें टाइम मिलेगा तो हम वापस से आएंगे इस मंदिर में और आपको इन्जॉय करेंगे।